हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमालयन लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं कई दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा ऑफिस का टाइम था। जैसे मैंने कहा कि वीकडेज थोड़े बिजी रहते हैं। हाउएवर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माय बर्थडे व्लॉग, बट उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि उस दिन मेरा सारा ऑफिस के काम में बिजी रही, तो लेट फ्री हुई रात को। बट मैं थोड़ी सी ग्लिम्स डाल दूंगी आपके लिए कि हाउ आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग बट कुड नॉट कम्प्लीट। आज आई थॉट कि आज रिपब्लिक डे भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो आई एम नॉट श्योर कि आज का दिन कैसे जाएगा, बट आई थिंक कैन बेट कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज ब्लॉग के साथ आप बने रहिए एंड तक, बट मेक श्योर सो दैट अगर अब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब हिमालयन लाइफ एंड डू प्रेस द बेल आइकन बिलो सो दैट आप जो भी मैं वीडियोस ऐड करूं आपको टाइमली नोटिफिकेशन आए। देखा, हमने बोला था छोटे बाबू गिरेगे तो गिरेगे, गिर गए आशीष का। मैं जाओ छोटी मामी से भी जब इसमें एक काम करना, नीचे रख उसको, मैं उठाता हूँ। सीरियसली वो तेरे से नहीं जाएगा नीचे तक। यही पलटा दे यहाँ पे, लो बाबा पकड़ो, अब पकड़ो। हेलो, मेरा हाथ गंदा हो गया है गोंची से। बाबा ने उस टाइम का बेलचे कस्ती का रख रखा है। आज हम दूसरे खेत आए, वो खेत थोड़ा उतराई में था तो इतनी बर्फ थी, मैं फिसलते फिसलते आई हूँ आज लिटरली बैठ बैठ के। आप देख सकते हो मेरे सारे कपड़े बर्फ में गीले हो गए। चलो कोई बात नहीं, शाम को चेंज कर देंगे घर जाके। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ एंड तक। ये हमारा दूसरा खेत है, यहाँ पे एक्चुअली गोबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, पर मैंने सोचा कि खाली क्यों आना, वरना मम्मा बेचारे वीकडेज में फिर उनको ढोना पड़ता है कई बार, तो सोचा गोबर का किल्टा भी ले आऊँ। सो हम लगा रहे हैं कैंट अभी, इसको हमने गोबर और गाय के गौंच में हमने इसको इसका मिक्सचर किया है और उसमें डिप करे ताकि इनकी जड़ों में हवा ना लगे। मीन वाइल हम जो है आज हम जब्बल से ही लगाएंगे कैंट क्योंकि नमी लग रही है, नमी काफ़ी लग रही है अभी खेत में। सो
सो ये देख सकते हैं आप, ये एप्पल ऑर्चर्ड है बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सारा बगीचा सूख ही चुका है। सो इसलिए हमने सोचा इस साल क्यों ना हम ट्राई करें अगर कैंथ लगाए, क्योंकि ये बहुत ही सनी पोर्शन है। आप देख सकते हो डायरेक्ट सन जो है वो, सन की पूरी सन रेज जो है वो उस खेत में पड़ती है, इस वजह से थोड़ा सूखा हो जाता है। सो लगे हैं विहान एंड उनके छोटे बाबा यानी चाचू। एक यहाँ पर लगाना बाबा, यहाँ पर है, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, एक लगाया हो। तो आप गड्ढे करो, मैं भरती रहती हूँ। भरती नहीं, इसमें हब भरने का है तो सब कुछ है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ोगे ना ढीला, ओके, तो ये लगेगा नीचे, इसमें हवा पास नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसमें हवा में पास ना होने दूँ, बिल्कुल अच्छे से लगाऊँ। नमी है खेत में? हाँ, नमी तो है। चलो तब तो है चांसेस कि फेलियर के चांसेस कम है, बट स्टिल कहते हैं कि जो कैंथ है उनको जल्दी से जल्दी लगा देना चाहिए, क्योंकि उनकी रूट्स में जो है वो हवा नहीं लगनी चाहिए। इसलिए हमने जब हम लेकर भी आए तो हमने एकदम से मिट्टी के नीचे दबा दिए थे रात को ही उसी दिन, एंड जब खेत में भी ला रहे हैं तो जैसे गोबर एंड गौच का जो मिक्सचर है मिट्टी के साथ उसमें डिप करके एंड रखा हुआ है, एंड बस फिर उससे निकाल के डायरेक्टली हम जब्बल के साथ लगा रहे हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा कि और नीचे रखो। ये तो आप निकाल रहे हो। गुड, आई थिंक इट्स इतना है, इतने इतना तो काफ़ी होगा, जड़ इनफ है, इनफ है ना। व्यू विहान लाने एक पौधा, आई एम गोइंग टू टीच योर बाबा कैसे लगाते हैं, देखना। How to ये plant पौधा जो है ना दो साल में लो फल देने लग जाएगा। अच्छा, 1-2 हो गया, बट ये बहुत छोटा सा है, ये ज़्यादा नीचे तो नहीं चलाना, मीडियम सा रखना ना। ए बाबा छोटी माली माल नीचे डाल दिया। व्यू को कसी दो यार, इसमें मिट्टी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल। हटो का खोदो ना बाबू, हटो हटो यहाँ से खोदो। हवा जाएगी वहां से? हवा नहीं जाएगी, इतनी साइड से थोड़ी ना जाएगी। बट सीधा सीधा सा नहीं लग रहा, कुछ टेढ़ा तो नहीं कर दिया मैंने। एक यहाँ ऊपर लगेगा ऐसे ताकि इसमें हवा जाने को कोई स्कोप ना रहे, ठीक है। एक चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर में, फटाफट तब तक कर लेते हैं काम, एंड देन जब फ्री हो जाएंगे फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर एक्साइटेड कंटेंट। सो मैं अभी अपने घर के नीचे वाले फ्लोर में आई हूँ, दिन के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, अभी अभी जस्ट हमारा लंच फिनिश हुआ है। सो अब आपको पता ही है कि ऑफिस का काम मैं करती हूँ, अभी घर से ही कर रही थी, तो मेरा वर्क फ्रॉम होम भी खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। सो उसी के लिए अब आज सोचा कि थोड़ी पैकिंग कर दी जाए, क्योंकि फिर वीकडेज पे इतना टाइम नहीं मिलता। सो आज रिपब्लिक डे की हॉलीडे है, सो क्यों ना इसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए और थोड़ा सामान पैक कर दिया जाए। और देख सकते हो स्टोर से सामान निकालते निकालते विहान को अपनी एक बचपन की कार मिल गई है, और लगता है वो उसकी कुछ इंजीनियरिंग कर रहा है। एक फोन भी है उसके पास,
और एक गाड़ी है जो कि सीधी नहीं उल्टी कर दी है। अरे वाह, रूहान भी आ गया है अपनी बुई के साथ। रूहान सोच रहा है कहाँ चली गई मेरी मम्मा और दादी मुझे छोड़ के। हेलो रूहान, विहान पकड़ो रूहान को ऐसे नहीं। चलो चलो अब खेल लिया तुमने, मैं अपना काम कर लेती हूँ, अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। जाने का सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, सो पुटिंग इन दिस पेटी एंड ऑल दैट। अब चले हम दोबारा खेत की तरफ। हम खेत जा रहे हैं हरी सब्जी लेने इस टाइम। सो पालक था वैसे, बट वो हम सब लोगों के लिए पूरा ना होता, इसीलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ी हरी सब्जी लेने चलते हैं खेत को, क्योंकि उसका जो खेत का जो अपनी मिट्टी का टेस्ट है ना, वो किसी भी कोई भी आप बाज़ार से ख़रीदी भी सब्ज़ी ले लो, पर वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो मुझे तो मेरी तो फेवरेट है जो अपने खेतों की हरी सब्जी होती है, तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको कि कैसे होती है, क्योंकि हमारी साइट जहाँ से मैं हूँ वहाँ थोड़ी डिफरेंट है, इधर जो सब्ज़ी वो थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही देखूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे भाभी की ज़रूरत ना पड़े और मैं भाभी के बिना भी हरी सब्ज़ी लेने खेत में आ सकूँ। हरा मेरा अच्छा, तो इसे कहते हैं भगोली, जो कि बकरू को भी बड़ी पसंद आ गई है। थोड़ी देर में जो एक बोला था इसमें सारे खिलाऊं इनको, इनको इसमें सारे कर इनको दिखाना। ले खाओ तुम, लो भाभी इस पैकेट ले, दे दे बेटू। अरे दे, मैं इनको डाल दूँ, मैं इनको एक एक खिलाऊं। खाओ खाओ अच्छे से, हाँ खाओ खाओ अच्छे से खाओ बेटा। क्या कहते हैं भाभी इसको? भगोड़ी। भगोड़ी पकौड़ी बगोड़ी। इट्स कॉल्ड बगोड़ी गाइस। हेलो गाइस, ये हमारा नेपाली छोटू नेपाली तो किसी नेपाली से कम लग नहीं रहा, चाहे इसके कपड़े देख लो, चाहे इसके हरकतें देख लो। और ये जो कि भाभी के नन्ने मुन्ने, इनका बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ते, जहाँ जहाँ भाभी जाते हैं इनके पीछे पीछे, भाभी के पीछे पीछे आ जाते हैं। ये भाभी के क्या है ये? और हर ब्लॉग में ये नजर आने चाहिए, ताकि इस व्यूअर्स को पता चले हो कि हमारे बकरू कितने बड़े हो गए हैं। ये बेचारा, ये इसको बदतमीज, कुछ झूठा है बेचारा। बेहान अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी मम्मा को काम नहीं करने दे रहा है। व्यू टूट जाएगा ये। नहीं, मोटी वाली डाली पकड़ना बेटा। ओ ओ ये सूख गई बेटा। ये कभी सुधरने नहीं वाला है। इसकी एनर्जी का कोई जवाब नहीं है। किसकी? विहान चौहान की।
पूरा पैकेट हमारी सब्जी का लेकर आ गए। देखो बचपन से ही काम करना आना चाहिए, ठीक है, हर चीज सीखनी चाहिए। देखो हाँ अच्छे से करो। अरे आधे में क्यों ऐसे केक है ये जो आधे में कट करना? यू वांट टू ईट दिस केक? ऑल योर्स। खाने का मन कर रहा है, खा लो आप। नहीं, 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 तो ये खा लो फिर आप, गोबर खा लो। बर्थडे बर्थडे गर्ल खिलाती है सबको पहले ना, फिर वो एंड में खाती है। कुछ केक कैसे लगा आपको? सुनेगा मेरे देख, बाबा क्या हो रहे देख। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है सो आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Please watch all my videos and share your feedback. Please keep loving and supporting me. Thank you.